ये सड़क सब लाल हो गई थी खून से और लगभग उसमें 300 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। वो 5 मिनट में पुलिस की सारी मैगजीन खाली हो गई, इतनी गोलियां चलाई उन लोगों ने। वो लाल कोठी वगैरह की दीवारें बहुत दिनों तक बिल्कुल मरम्मत की गई, नया बना दिया गया, अन्यथा तो वो पूरी दीवारें गवाह थी उस बात की। हम गए, हमको 4-4 गोलियां हमको मार दी गई, तो उस घायल अवस्था में अब कर भी कर सकते थे। गोली किसको लगी? वो 4 गोलियां लगी, 4 जी। तब तक लोग समझते तब तक गोलियां चलने लगी। राजेंद्र सुतार, रामचल गुप्ता, रमेश पांडे जी उसमें रहते थे, वो मार दिए गए। शरद कोठारी को गोली लगी तो बचाने के लिए दौड़ा, पहले उसका भाई गया राम कुमार, उसको गोलियाँ मार दी। 22 जनवरी का दिन पास में है और 500 साल से चला आ रहा लंबा इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि राम मंदिर बन रहा है और प्राण प्रतिष्ठा और उद्घाटन 22 जनवरी को होगा, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। आज मैं बात कराऊंगा उन कार सेवक से जो 1992 की मस्जिद जब ढाई गई थी, गिराई गई थी, उसमें शामिल थे, साथ ही 1990 की उस घटना के बीच चश्मदीद गवाह हैं। संतोष दुबे जी हमारे साथ होंगे, लेकिन वो गली भी ये वही है जहां पे गोलियां चलाई गई थी। संतोष दुबे जी हमारे साथ हैं, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। संतोष जी, शुरुआत से शुरू करते हैं, जल्दी जल्दी और संक्षिप्त में जानेंगे, लेकिन शुरुआत से शुरू करते हैं 1990 की वो घटना, थोड़ा संक्षेप में बता दीजिए। 1990 को हम लोग इसी रास्ते से जा रहे थे, 10-11 बजे रहे होंगे, 2 नवंबर 1990। तो ये आगे दिगंबर अखाड़ा है, वहाँ जो बड़े बड़े भाजपा के नेता थे वो सब तो दिगंबर अखाड़े में चले गए, लेकिन जो 3,500 की 4,000 की भीड़ थी वो आगे हम लोग थे, पीछे वो सब लोग आगे गए। तो हनुमानगढ़ी चौराहे से पहले पुलिस ने रोक दिया, बैरिकेड्स लगा दिए। उन दिनों बैरियर हुआ करते थे, ऐसे नहीं होते थे, वो बैरियर होते तो रोक दिया, उन्होंने गिरा दिया, आगे नहीं जाना है। तो हम लोग वहीं बैठ गए, कीर्तन करने लगे, श्री राम जय राम जय जय राम, रामलला हम आए हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। कोई और उग्र नारा और कुछ ऐसी बात भी नहीं थी, बस अकस्मात आंसू गैस के गोले छोड़ने लगे, लाठियाँ मारने लगे, और हम लोग जब बैठे थे तो खड़े हो गए, भाई ये परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि सब लोग खड़े हो गए। फिर क्या था, वो राइफलों से, कार्बाइन से, स्टैनगनों से सामने करके गोलियाँ मारने लगे। मुझसे JS भुल्लर IPS था, उसने कहा बहुत रामलला के दर्शन की शौक है, तुझे पहुँचा रहा हूँ रामलला के धाम, वहीं दर्शन कर लेना। तो जब तक कुछ लोग समझते तब तक गोलियाँ चलने लगी, और हमारे साथी भाई वासुदेव गुप्ता, राजेंद्र धरकार, रामचल गुप्ता, रमेश पांडे जी इसी घर में रहते थे, वो सब लोग मार दिए गए। और शरद कोठारी को गोली लगी तो बचाने के लिए दौड़ा, पहले उसका भाई गया राम कुमार, तो उसको गोलियां मार दी। हम गए, हमको 4-4 गोलियां हमको मार दी गई, तो उस घायल अवस्था में अब कर भी क्या सकते थे। 4 गोलियां किसको लगी? हमको 4 गोलियां लगी थी उस मामले में। अच्छा। 4 जी। तो ये हमारे साथ हैं रविशंकर पांडे जी और 2-3 और साथी, कुछ महिलाएं वहाँ की, चूँकि अयोध्या का परिचित चेहरा था तो सब लोगों ने मुझे उठाया, अस्पताल ले गए। तो वहाँ से ले जाते समय तक हमने जो मंजर देखा था, उसके बाद हमारी स्थिति बड़ी ख़राब हो गई थी कि ये सड़क सब लाल हो गई थी खून से और लगभग उसमें 300 से अधिक लोग मारे जा चुके थे। वो 5 मिनट में पुलिस की सारी मैगजीन खाली हो गई, इतनी गोलियाँ चलाई उन लोगों ने कि वो लाल कोठी वगैरह की दीवारें बहुत दिनों तक, अभी तो मरम्मत की गई, नया बना दिया गया, अन्यथा तो वो पूरी दीवारें गवाह थी उस बात की कि यहाँ हजारों राउंड गोलियां चलाई गई। कहा जाता है लाल कोठी भी इसलिए नाम पड़ा? हाँ, इसीलिए नहीं, लाल कोठी नाम तो पहले ही था। हाँ। वो लाल रंग की थी। हाँ। लेकिन इसको शहीद गली कहा जाने लगा उसके बाद। तो अब तो यहाँ का परिदृश्य बहुत सब बदल गया है, लेकिन वो दौर अत्यंत भयावह था, और पुलिस से भी बचना और पुलिस की गोली खाना, पुलिस की लाठी खाना, कोई जय श्री राम बोल दे तो ऐसा लगता है जैसे कोई चंबल का अपराधी हो, डकैत हो। तो इस तरह से वो दौर, वो हम लोगों के लिए तो बड़ा भयावह था। ये 2 नवंबर की घटना थी जिसमें हमको कम से कम 10 दिन लगे ठीक होने में, पूरी तरह ठीक नहीं हुए थे, लेकिन ये खबर आने लगी कि जो यहाँ के कार सेवक उठाकर फेंक दिए गए थे उनकी लाशें बरामद हो रही हैं सरयू नदी में। तो
घायल अवस्था में भी कंबल ओढ़ करके अपने साथियों के साथ, ये सभी हमारे साथी लोग थे, हम लोग गए, लाशों को निकलवा करके उनका हिंदू रीति से उनका अंतिम संस्कार किया गया। लगभग एक दर्जन लाशों का अंतिम संस्कार किया गया था, कुछ और लोगों ने भी महानुभाव ने कर दिया था। तो जो वो दौर था वो हिंदू इतिहास के लिए डायर और जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था उससे तनिक भी कम नहीं है। जलियांवाला बाग ने आज़ादी दिला दी और इस कांड ने और 6 दिसंबर के कांड ने राम जन्मभूमि को और रामलला के मंदिर को प्राण प्रतिष्ठित होने का अवसर दिया, ये रास्ता साफ हुआ। ये कहते हैं ना कि जब जब प्यार पे पहरा हुआ तो प्यार और गहरा हुआ है। आप हमको रोकोगे कि राम का नाम लोगे जेल भेज देंगे, हमने और ज़ोर से नाम लेना शुरू किया, आपने लाठी मारी हमारी आवाज़ और बढ़ गई, आपने गोली मारी तो हमारी तादाद बढ़ गई। और फिर ऐसा भी दिन आ गया कि वो गोली मारने वाली सरकार और मुख्यमंत्री सब चले गए। अच्छा, लेकिन आपने एक जलियांवाला बाग के लिए, उस जलियांवाला बाग का जो सूत्रधार था वो था जनरल डायर। तो यहाँ पर भी 1990 की बात करें तो मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। हाँ बिल्कुल, तो उनकी बराबरी कर रहे हैं आप? नहीं, डायर की बराबरी नहीं कर सकते हैं। डायर तो हमारा विरोधी था, दूसरा धर्म का था, दूसरा पंथ मजहब देश सब कुछ था, लेकिन मुलायम तो हमारे वंश परिवार में जन्मा था ना। लेकिन इस मक्कार ने गद्दारी की है, जयचंद और मीर जाफर जैसा व्यक्ति था, ये विश्वासघाती था, इसने सत्ता की लोलुपता में मुस्लिम तुष्टिकरण में अंधे होकर के अनन्य राम भक्तों पर जो सीधे साधे थे उन पर गोली चलवाई थी। अच्छा, 1992 का वो दिन फिर बता दीजिए। 6 दिसंबर 1992 का, जब कल्याण सिंह के यहाँ पर मुख्यमंत्री थे, पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे, कहा जाता है कि कल्याण सिंह भी इसमें सहयोग किया था बाबरी मस्जिद ढहाने में। नहीं, कल्याण सिंह का एक सहयोग था कि उन्होंने गोली तो नहीं चलवाई ना, और पीवी नरसिम्हा राव का तो पूर्ण सहयोग था, उन्होंने ये पहले ही से कह रखा था। कुछ लोग थे इसमें, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई, सहयोग तो हम लोग सहयोग के आभारी हैं उनके, उनका एक गोली नहीं चलेगी, गिराओ, 5 घंटे का समय है। तो आप भी थे गिराने में? हाँ, मैं उसका मुख्य आरोपी हूँ, मैंने गिराया, कोई गुनाह नहीं, मैंने अदालत में कहा मैंने गिराया, जो सजा वो दे दीजिए। उसमें 17 हड्डियाँ टूटी थी हमारी, मैं 22 दिन कोमा में रहा। ऊपर चढ़ गए थे? जी, ऊपर ही चढ़कर, तभी तो ये थे वो भाई रविशंकर पांडे जी, ये भी साथ में थे, तमाम लोग उसमें, थोड़ा नहीं 5,000 लोगों की टीम बनाई थी, तब टूट गया है, जय श्री राम के नारों से नहीं टूट गया है। तो पहले से प्लानिंग थी तोड़ने की? जी हाँ, 1.5 साल पहले से इसकी प्लानिंग की गई थी। गोली कांड के बाद ये प्लानिंग हुई, तैयारी की गई, हथौड़े, सब्बल, घन, तलवारें, त्रिशूल, ये सब इकट्ठा किए गए थे। किसने की थी ये प्लान? अब हम लोगों ने इकट्ठा किया था, और प्लानिंग की थी देव रामदास वेदांती जी ने। इसमें जगत गुरु शंकराचार्य, स्वामी स्वरूपानंद जी के एक शिष्य जो उनके ही कहने पर यहाँ आए थे, जिन्होंने ढांचा को तोड़ने के लिए उस पर रस्सा फेंकना और कैसे कांटा फंसेगा ये सब उन्होंने बाकायदा चित्रकूट की पहाड़ियों में ये ट्रेनिंग दिलाई थी। ऐसे थोड़ी हो गया, इसमें काम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी। चलिए, लेकिन अब लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मंदिर बनाया। बहुत अच्छा है, कोई बात नहीं, वो सही कह रहे हैं, मोदी जी को धन्यवाद है। तमाम प्रधानमंत्री हुए हिम्मत नहीं जुटा पाए, तमाम मुख्यमंत्री हुए गोली चलाते थे। इस राज्य का मुख्यमंत्री रामलला के सामने लौट जाता है, यही गर्व का विषय है। हमारे राष्ट्र का प्रधानमंत्री भगवान रामलला के चरणों में लौट कर साष्टांग प्रणाम करता है, वो धन्यवाद के पात्र हैं, बहादुर हैं, उनको नमन है, हृदय से उनका अभिनंदन है। और तो प्रधानमंत्री थे ना, रामलला के दर्शन करने नहीं गए? ये आदमी भव्यतम मंदिर बनाने का मार्ग इस व्यक्ति ने प्रशस्त किया, और उन माननीय 5 न्यायाधीशों को भी बहुत बहुत साधुवाद है, बधाई है, रंजन गोगोई सहित उनकी पूरी टीम को जिन्होंने ये मार्ग प्रशस्त कर दिया, ये सब धन्यवाद के पात्र हैं। ये सब अद्वितीय लोग हैं जिन्होंने ये कार्य किया है, संबंधनीय है, प्रार्थनीय है, आदरणीय है, प्रातस्मरणीय है। आगे किस तरीके का बदलाव अब आप देखते हैं अयोध्या में, पहले और अब में? नहीं, बदलाव तो अयोध्या में बहुत हो रहा है। अयोध्या में इस तरह समझिए कि आज विश्व की बड़ी धरोहर बनने जा रही है अयोध्या। पहले अयोध्या में कुछ होता नहीं था, मेलार्थी आते थे तो सड़कों पर बैठ करके शौचादि क्रिया करते थे, आज वो सारी व्यवस्थाएं नहीं है, बहुत बढ़िया काम हो गया है, अयोध्या बदल रही है। हाँ, ये जरूर है कि अयोध्या इतनी न बदल जाए कि यहाँ की मर्यादा के अनुरूप आचरण न हो, इसको केदारनाथ न बनाया जाए कि जैसे केदारनाथ में वो पिकनिक स्पॉट बना दिया गया, इससे बचाया जाए अयोध्या को। अयोध्या को
अयोध्या की गरिमा और महिमा के अनुसार ही रखा जाए, इसी में अयोध्या अच्छी लगेगी। लेकिन जो इस काम अयोध्या में हो रहा है वो बहुत अच्छा है। चलिए, ये थे हमारे साथ संतोष दुबे जी, जो कि चश्मदीद 1990 और 92 के, और इन्होंने साफ कहा है कि आने वाले समय में अयोध्या को ज़्यादा बदलाव ना किया जाए। कैमरामैन देवेश के साथ सागर चौधरी।